टेम्पो चालक ने लगाया दबंग लोगों पर दबंगई दिखाकर टेम्पो न चलाने देने का आरोप। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल की चंदोसी का है, जहां से सीएनजी के टेम्पो चंदोसी बिलारी के लिए संचालित होते हैं। टेम्पो संचालक सुभाष ने दबंग लोगों पर दबंगई दिखाकर टेम्पो नहीं चला देने का आरोप लगाया है। इस विषय में टेम्पो चालक सुभाष ने आरोप लगाया है कि उसका टेम्पो भी जबरदस्ती सीज करा दिया गया। सीज करने का कारण कागज नहीं दिखाना बताया गया है, जबकि मुझसे कागज दिखाने को कहा ही नहीं गया, जबकि मैं कागज लेकर दरोगा जी के पीछे घूमता रहा, लेकिन उन्होंने कागज नहीं देखे और गाड़ी सीज कर दी। ऑटो नहीं चलने दे रहे हमारी। कौन लोग? ये क्या नंबर है? ये क्या है? हाँ जी, प्रेम शंकर कौन है? क्या है? पप्पू, पप्पू जी, यह मुंशी जी हैं, मुनीर ठेकेदार हैं। क्या कहते हैं? नोगे रहे हमारी मैजिक चलेगी, ऑटो नहीं चलेंगी तुम्हारी। क्यों नहीं चलेंगी? क्या पता जी, है चलने ही नहीं दे। जो ऑटो है वो क्या है, डीजल का है, किस चीज़ का है? क्या है? सीएनजी का है। सीएनजी का है? तो कब लिया आपने? अभी महीना भर हुआ है। सीएनजी पास है? हाँ जी। तो उसका परमिट भी तो होगा ना चलने का? परमिट 18 किलोमीटर का है बस। 18 रूट नहीं है उसमें? कौन से रूट पे चलेगा? रूट पे तो उसका अभी रूट ही नहीं है कोई। कहीं पे चला सकते हैं? हाँ, 18 किलोमीटर पे चल सकते हैं बस। अब आप लोग चंदोसी से बनिया बिलारी तक चला रहे हैं, 6 फुट तक? हाँ। चलने नहीं दे रहे ये लोग? नहीं चलने दे रहे। क्या कहते हैं? लोग कह रहे हैं मैजिक चलेगी तुम्हारी, ऑटो नहीं चलेगी। अब आप लोगों ने कहाँ शिकायत की है? शिकायत अभी तो यहाँ पर ही है। कहाँ पर? थाने में। इधर कौन सा थाना है? पनीठेर। क्या कह रहे हैं यहाँ के एसओ साहब? लोग कह रहे हैं इधर एप्लीकेशन दो। आपने एप्लीकेशन दे दी? दे दी। मेरा नाम है साहब सुभाष। क्या समस्या है? समस्या ये है, गरीब लोग हैं हम लोग, और कर्ज पानी से हमने टेम्पो लिया है, सीएनजी वाला, छोटा वाला, जो 3 सवारी हमारा पास है। और यहाँ पे चंदोसी और बिलारी जो लोग दबंग हैं, जो नाम क्या है उनके? नाम इनका पप्पू शेरी है और रहूफ शेरी है, और बिलारी वालों को मुझे नाम नहीं पता। ये लोग हमारे टेम्पो नहीं चलने दे रहे। कितने टेम्पो हैं आपके? मेरा तो एक ही है, लेकिन और मेरे साथियों के, बंधुओं के हैं, लमसम 7 टेम्पो हैं हम लोगों पे। हाँ, और सभी को रोक रहे हैं वो लोग? सभी को रोक रहे हैं, और हम लोगों की किस्त हमारे सिर पर रखी है बिल्कुल, लेकिन कहाँ से जमा करें? आप लोग थाने में आए हैं, क्यों आए? बस इसी समस्या का समाधान करने को आए हैं। क्या कार्रवाई की आपने? अभी एक पोर्टल पर शिकायत करी हमने मुख्यमंत्री की, लेकिन वो यहाँ आई है थाने में। अब ये कह रहे हैं कि ये समस्या बिलारी की है, ये हमारी तो कोई समस्या है नहीं, या फिर समस्या आपकी चंदोसी की है। तो हमारी कोई समस्या हो तो बताओ, हम समाधान करें। मतलब बनियाठेर थाने का मैटर नहीं है, चंदोसी बिलारी का? हाँ, चंदोसी और बिलारी का है। तो निस्तारण कैसे होगा इसका? अब इन लोगों ने मेरा टेम्पो सीज करा दिया। किस क्या कमी थी आपके कागजों में? कोई कागज में कमी नहीं, मेरे ये तो ज़बरदस्ती वहाँ बैठ के इन लोगों ने, पप्पू शेरी ने सीज कराया है। मेरे पास सारे कागज हैं, आप एक एक कागज, मैं प्रदूषण के नया टेम्पो है, मैंने प्रदूषण रसीद भी कटवा रखी है, बीमा है मेरे पास, आरसी है, परमिट है, मेरा डीएल भी है, लेकिन मुझसे कागज़ नहीं मांगे गए। ज़बरदस्ती मेरा टेम्पो सीज कर दिया गया और कह दिया गया कि तेरा टेम्पो सीज करना है तो मुझे करना है। किसने कहा? ये है, इनका नाम है, मैं नाम बता रहा हूँ दरोगा जी का, अभी पकड़िए, इनका नाम मैं लिख के ले आया इनकी नेम प्लेट से पढ़कर। इनका नाम है गिरजेश बहादुर यादव। क्या 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 कहा इन्होंने? इन्होंने मुझसे कागज़ नहीं मांगे और उस पर सीजर पे लिख दिया, बोले कागज़ ना दिखाने पे आपका सीज हुआ है, और कागज़ मुझसे नहीं मांगे गए, जबकि मेरे कागज़ मैं साथ साथ लिए उनके पीछे पीछे फिरता रहा, चिल्लाता रहा कि कागज़ सारे ये हैं, आप कागज़ देख लो, लेकिन उन्होंने नहीं देखे।